यूएनटी, मैं हूं रवि शर्मा। जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है और केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद लगातार जिस तरह से पहले प्रदर्शन यहां पर होते थे, अगर जम्मू कश्मीर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के जो रिटायर्ड वॉलंटियर्स हैं कर्मचारी, वो तस्वीरों में आपको दिख रहे होंगे कि लगातार पिछले एक लंबे समय से ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे कि इनकी मांगों को जो है वो पूरा किया जाए। लेकिन आज जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जीसी मुर्मू, उनके एडवाइज़र से इनकी मुलाकात जो है वो हुई है और इनको कुछ आश्वासन जो है वो मिले हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये सब लोग जो हैं ये बुज़ुर्ग हैं और अपनी सेवाएं इन्होंने इस विभाग में काफ़ी लंबे समय तक दी हैं और उसके बाद इनकी कुछ डिमांड थी जिनको लेकर लगातार एक लंबे समय से प्रदर्शन ये करते रहे और आज इन्हें कुछ आश्वासन मिले हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर इस मुलाकात के बाद इन्हें क्या आश्वासन जो थे वो मिले। सर, सबसे पहले तो आपका नाम? देवराय बाली। बाली सर, जिस तरह से आज आपकी मुलाकात लेफ्टिनेंट गवर्नर के एडवाइज़र जो है उनसे हुई है, क्या था पूरा मामला, क्या मांगे आपने उनके समक्ष रखी? आज हम एज ए डेपुटेशन एडवाइज़र साहब उनको फारूक खान साहब से मिले हैं पुरानी डिमांडों के लिए, जो पुराना हमारा मसला था, तो उन्होंने हमारी जो डिमांड है बड़ी देखी सुनी और बड़ा सीरियस लिया। उन्होंने कहा कि आपकी डिमांड तो जेन्युइन है लेकिन ये इतनी देर की लटकी क्यों है। तो हमने बड़ा अच्छी तफसील से बनाया, उन्होंने हमारी डिमांड को देखा, हमारी जिसमें डिमांड थी कास्ट ऑफ लिविंग अलाउंस कोला इफेक्ट फ्राम 1999 एंड 6 पे कमीशन एरियर इफेक्ट फ्राम 1 जनवरी 2006 एंड कॉरपोरेशन बेनिफिट। कोले के जो ऑलरेडी बिल बनकर हमारे उनके पास पड़े जिनका अमाउंट है 16,74,59,497, उस मसले पर हम उनसे साथ मिले थे और उन्होंने हमें पूरा यकीन दिलाया और जिस तरह उन्होंने हमारे साथ बात की बड़े अच्छे ढंग से, अच्छे माहौल से बात की और हमें भी यकीन है कि वो हमें बोल रहे थे कि आपका मसला है मैं हाई लेवल तक उठाएंगा और आपको देखूँगा ये आपकी पेमेंट क्या इन्हें देर से क्यों रुकी रही थी। इसलिए हम फारूक खान साहब का बहुत धन्यवाद करते हैं। सर, इससे पहले की बात करें, जब सरकारें यहाँ पर थी आप उनसे भी मिलते रहे, आपका मामला हल नहीं हुआ, फिर राज्यपाल शासन यहाँ पर आया, उस समय भी आपको आश्वासन तो दिए गए थे लेकिन वो फिर जो मामला था वहीं का वहीं रहा। अब आपको क्या लगता है कि जिस तरह से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर बन चुका है तो अब जिस तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ पर सब कुछ देख रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि अब वो मामले जो हैं वो हल होंगे? हम 9 साल के दौरान जितनी भी सरकारें गई हैं, चाहे बीजेपी की थी, चाहे पीडीपी की थी, जिसकी भी एनसीपी वगैरह कांग्रेस जिसकी, हम डोर टू डोर सबको मिलते रहे, लेकिन उनके अलावा भी जो सत्यपाल मलिक साहब गवर्नर थे उनके एडवाइज़र थे उनके साथ ही मिले, लेकिन आज तक हमें मिला तो वो आश्वासन वो भी झूठा। अब यूटी बनी है, अब यूटी के बनने के बाद पहली दफ़ा हम एडवाइज़र साहब को फारूक खान साहब से मिले हैं और हमें ये यकीन है जिस तरह उन्होंने हमारे साथ बात की है और हमें लगता है कि हमारा मसला हल हो जाएगा। सर, आपको लगता है कि जो चेहरे हम यहाँ पर देख रहे हैं आज, तो आप कुछ कम लोग आए हैं, काफ़ी संख्या में ये लोग लगातार प्रदर्शन करते हैं, जिन चेहरों को इस उम्र में क्या प्रदर्शन करना शोभा देता है? जिस तरह से आपने लंबे समय तक सेवाएं जो हैं वो इस विभाग को दी हैं और आपकी मांगों को बहुत जल्द पहले जो है वो पूरा कर लेना चाहिए था। इस वक्त जितने भी हमारे जो रिटायर एम्प्लॉइज़ हैं ना, सब 65 साल, 66 साल, 67 साल, 68 साल के हैं, जिनमें से 39 एम्प्लॉइज़ की डेथ भी हो गई है, जो पैसा टाइम पर नहीं मिल सका, बुज़ुर्ग लोग थे, अपना इलाज नहीं कर पर इलाज नहीं करा सके, जिनकी वजह से उनकी डेथ हो गई है। तो हम ये नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि हम इधर मीडिया में आएँ या इधर हम गेट के अंदर आएँ, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। जो सरकार ने हमारे साथ वादा किया था वो पूरा नहीं किया, पेमेंट तो हमने इनसे लेनी है, जे हम पीछे हटते हैं तो ये हमारी पेमेंट खा जाते हैं। जिस तरह सरकार के पास जाते हैं वो बोलती है हमने पेमेंट हमने दे दी है इनके पास, इनके पास जाते हैं वो बोलते थे, ये भी नहीं कहते कि आपका मसला कोई गलत है, ये बोलते हैं यार आपके साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, लेकिन जुल्म कब तक होगा ये कोई पता नहीं, कब तक हमें पेमेंट मिलेगी। चलिए सर, आखिरी सवाल रहेगा, जिस तरह से आपकी आवाज़ हमारे माध्यम से अगर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू तक पहुँच रही है, तो क्या अपील आप करेंगे? हम यही अपील करेंगे, हमें बड़ी देर हो गई संघर्ष करते हुए, तो इसलिए इस संघर्ष के दौरान ही हमारे 39 एम्प्लॉयज़ की डेथ हो गई। हम उनसे अपील करते हैं यूटी के मुताबिक, यूटी के कानून के मुताबिक जो हमारे खाते में आता है, जिस तरह दिल्ली कॉरपोरेशन को बेनिफिट मिलता है वो हमें बेनिफिट दिया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ कुछ SRTC जो रिटायर्ड वॉलंटियर रिटायर्ड एसोसिएशन है उसके लोग, और एक लंबे समय से ये लोग लगातार प्रदर्शन करते रहे अपनी मांगों को लेकर, और उनमें से कुछ लोग जो हैं वो प्रदर्शन करते करते अपनी मांगों को मनवाते मनवाते उनकी मौत भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक इनकी मांगें पूरी नहीं की गई। आज जो जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं उनके एडवाइज़र से इनकी मुलाकात जो है वो हुई है और आश्वासन इन्हें मिला है। अब देखना यह है कि क्या ये आश्वासन भी आश्वासन ही रहता है या इनकी मांगें पूरी होती हैं। कैमरामैन रमन कुमार के साथ रवि शर्मा, UNT जम्मू कश्मीर।